जय हिंद डियर। तो चलिए, सब कॉलेज का प्रोविजन लिस्ट निकलने लगा है, तो मौलाना आजाद कॉलेज का भी प्रोविजन लिस्ट निकल चुका है, बट सुबह से क्लास ले रहे, इसलिए अभी सारा क्लास कॉलेज का, जिस इस कॉलेज का प्रोविजन लिस्ट निकला वो बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि मौलाना आजाद कॉलेज का प्रोविजन लिस्ट कैसे देखोगे। अच्छा, आप लोगों में से सबसे ज़्यादा डाउट ये होगा कि कुछ स्टूडेंट पूछ भी रहा है, सर प्रोविजन लिस्ट क्या है। तो सबसे पहले जान लो, प्रोविजन लिस्ट और फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब प्रोविजन मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या डिफरेंस है। प्रोविजन मेरिट लिस्ट ये है केवल कि आप किसी कॉलेज में फॉर्म जो भरे हो, है ना, उस कॉलेज का फॉर्म जो भरे हो सही भरे हो कि नहीं, है ना। अगर आप लिस्ट में नाम है, इसका नाम आप सही समय उसमें फॉर्म सही भरे हो, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप फॉर्म भरे नहीं हो, एक। और दूसरा, अगर फॉर्म भरे हो उसमें कुछ गलत है तो कॉलेज क्या करता है, आपको क्या कर रहा है, कुछ समय देता है कि उस करेक्शन, मतलब जो भी आपसे गलती हुआ उसको करेक्शन कर लेना, समझा। यही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम आ गया तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अभी केवल प्रोविजन लिस्ट निकल रहा, प्रोविजन मेरिट लिस्ट यही केवल बता रहा कि आप इस कॉलेज में फॉर्म भरे हो वो सही है, अगर आपका कुछ गलती है तो अभी बता दीजिए, बट फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाने पर फिर आपका कोई करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको मौलाना का निकला तो सबसे पहले आप जाओगे या मौलाना क्लिक करोगे, क्या करोगे, मौलाना, जैसे क्लिक करोगे देखो मौलाना आजाद कॉलेज आ गया, उसको क्लिक करोगे, ठीक है। करने पर उसका वेबसाइट में आओगे या क्लिक करोगे तो मौलाना आजाद कॉलेज का क्या होगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे वेबसाइट ओपन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे उसको, थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर देखोगे लेफ्ट कॉर्नर में प्रोविजन मेरिट लिस्ट है। तो सर प्रोविजन मेरिट लिस्ट समझ में आया क्या है, केवल जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो उसका ये अप्रूवल है कि आप इस कॉलेज में फॉर्म भरे हो, तो यहाँ क्लिक करोगे, है ना। क्लिक करने पर ये ऐसे विंडो ओपन होगा जिसमें से इस कॉलेज में जो जो आपको का कोर्स करवाया जा रहा है सारा का नाम है। तो अगर आप बीकॉम के हो तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे बीए, बीए देखो ये बीए चल रहा है, यहाँ तक बीए चल रहा है बीए, उसका थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे देखो यहाँ बीकॉम आ चुका है ना, बीकॉम ऑनर्स विथ मेजर इन कॉमर्स। तो अगर आप इसमें फॉर्म भरे हो तो आप इसको क्या करो ये समझ में आइए। यहाँ अब यहाँ जो है इस साइज में, अब इधर से ठीक से देखो सर ये क्या है, यहाँ स्ट्रीम का नाम है, यहाँ यूआर का मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में, ये क्या एससी एसटी ओबीसी ए ओबीसी बी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यू, उसके हिसाब से कितना कर देखो। अगर इस सब्जेक्ट का बताए तो इसमें 167 अनरिजर्व स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया, एप्लीकेशन दिया। इसी तरह सर अगर हम इसका बात करें किसका, कॉमर्स का, तो कॉमर्स का बात करें तो देखो यहाँ बीकॉम, बीकॉम हाँ ये था ना, ये बीकॉम, बीकॉम का बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो ये टोटल स्टूडेंट है, एक सेकेंड ये क्या आता है, हाँ अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया, 2673 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया हुआ है ना। तो इसका मतलब इसमें आप लोग भी फॉर्म फिलअप किए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आप जनरल कैटेगरी में क्लिक करिएगा, है ना। उसके बाद अगर आपका ये देखिए ये सेकेंड वाला जो है एससी का है एसटी का है तो आप उसमें क्लिक करके पता लगाइएगा। जैसे मान लो हम जनरल कैटेगरी में क्लिक करें तो ये जनरल कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा, इसमें इस सारे स्टूडेंट का नाम दिखा रहा है देखो, है ना, क्या नाम, नूरेन अन अब्राउद्दीन मोहम्मद समीद, ऐसा नाम दिखा रहा है। इसका मतलब ये लोगों का फॉर्म क्या हुआ, अप्रूव हो चुका, मतलब ये लोग फॉर्म भरा है। हाँ अगर ये लोग कुछ गलत भरा है तो सर इसको करेक्शन करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग नाम कैसे सेलेक्ट करोगे, मैंने अपना खोजोगे, तो ये देखो यहाँ सर्च है, क्योंकि इतना स्क्रॉल करोगे कितना जाएगा, इससे अच्छा का आप अपने यहाँ क्या करो नाम डाल दोगे, ठीक है, या तो एप्लीकेशन नंबर डालोगे या तो अपना नाम डाल के यहाँ सर्च में डालोगे तो ठीक डायरेक्ट वो शो करेगा, समझ में आया। ये जनरल कैटेगरी का, अगर आपको किस में खोजना है, अगर आपको खोजना है कि सिविल कास्ट में, तो सिविल कास्ट में आप जाइएगा, ठीक है, सिविल कास्ट में जाइएगा। जैसे यहाँ आया था तो आप देखो ये सिविल कास्ट का ऑप्शन है ना, इसमें क्लिक करोगे तो ये आपका एससी वाला ओपन हो जाए, देखो सब एससी है, ठीक है। और एससी में क्या किया गया, उसका टोटल 382 आया, जैसे मान लो यहाँ जैतो जो भी समीर गुप्ता, तो इसका देखो टोटल एग्रीगेट आया 377, अकाउंटेंसी में इसका सब्जेक्ट कितना 97% पाया, मेरिट मार्क्स में इसका आया 474, और ये किस कास्ट का, सिविल कास्ट का है, समझ में। तो इसी तरह आपको जिस कास्ट का चेक करना है, आप जिस कास्ट में फॉर्म भरे हो उस कास्ट में क्लिक करके देख लेना आपका नाम सही है कि नहीं, अगर गलत है तो फिर ये लोग का किया, आप लोग को यहाँ मेल का ऑप्शन दिया है, चाहो तो शुरू में देखोगे यहाँ जो ऑप्शन हो रहा है यहाँ, तो उसको देखोगे यहाँ, देखो ये आप लोग को ये मेल दे दिया है, आपको 5 बजे से लेकर 16 तारीख 16 जुलाई तक आप इसको मेल कर दोगे तो आपको वो करेक्शन हो जाएगा, समझ में आया। तो ये किसका रहा मेरिट लिस्ट, ये रहा मौलाना आजाद कॉलेज का, इस तरह बाकी कॉलेज का बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।